जय श्री राम। अभी आप गौ माता के दर्शन कर रहे हैं। इस गौशाला में लगभग 600 गौवंश होगा अंदाजन। और जैसे आपको जानकारी ही होगी कि कल 15 अगस्त रही, जिसे कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ इस दिन 15 अगस्त 1947। तो अब समझ में नहीं आता कि इस दिन शोक मनाया जाए या जश्न मनाया जाए। फिलहाल काफ़ी ये असमंजस का विषय है। 15 अगस्त से काफ़ी समय पहले की एक बात याद आ गई। हमारे लिए एक स्कूल में बुलाया गया झंडा लहराने के लिए। झंडा लहराया और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम के नाम पर वहाँ पर वो संगीत का प्रदर्शन हुआ, वो नृत्य हुए जो कि हमारी सभ्यता जिसे शायद नहीं स्वीकारेगी। क्या इस तरीके के रंगारंग कार्यक्रम के चलते आने वाले नई पीढ़ी को क्या एहसास हो पाएगा आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है? और छदम आज़ादी जिसे नाम देना चाहिए, ये बहुत सारी शर्तें रखी गई हैं। आज भी जैसे कहना चाहिए पूर्ण रूप से आज़ाद वो भी हम नहीं हैं। बस ये एक छलावा रहा, मगर खैर हम आशा करते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं एहसास करें कि आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितना बलिदान दिया है, कितना त्याग करा है। ना कि स्कूलों में जो आज गाने चलते हैं, गाने का मतलब अगर कोई बच्चा कुछ परफॉर्मेंस प्रस्तुत करता है तो उसमें जो गाने वगैरह होते हैं वो इतने बेहुदा होते हैं कि उनका जिक्र करना शायद हमारे लिए उचित नहीं होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी सामने आप जो नदी देख रहे हैं वो बेत्रवती है और इस वक्त हम ओरछा में हैं। ओरछा जो है काफ़ी प्राचीन नगरी है और यहाँ का आध्यात्म से काफ़ी जुड़ाव रहा है, ऐसा यहाँ की दंत कथाओं में कहा जाता है। कहते हैं कि ओरछा जो रियासत है, यहाँ की जो रानी थी वो राम जी की अनन्य भक्ता थी। एक बार राजा जी ने उनसे कहा था कि हम आपकी भक्ति तब माने जब आप अयोध्या से राम जी को ले आएं। तो रानी गई अयोध्या और राम जी से उन्होंने कहा कि आप जो हैं हमारे साथ चलें ओरछा में। तो राम जी ने ये शर्त रख दी कि हम चलेंगे ओरछा, मगर हमारी एक शर्त है कि एक राज्य में दो राजा नहीं हो सकते हैं, और दूसरी बात ये कि हम जो हैं जहाँ पर भी आप हमें विराजमान करेंगे वो जगह ज़्यादा आबादी वाली नहीं होगी, भविष्य में ज़्यादा
आबादी नहीं बस पाएगी उस जगह। तो ओरछा काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र नहीं है, ये काफ़ी कम आबादी है यहाँ पर। और जैसे रानी राम राजा सरकार को लेके आई यहाँ पर, और राजा जी को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि दो राजा नहीं हो सकते, तो उन्होंने पास में ही यहाँ पर लगा हुआ एक शहर है टीकमगढ़, वो अपने टीकमगढ़ पहुँच गए और वहीं पर ही उन्होंने अपना महल अहल वगैरह इत्यादि स्थापित किया। और फिर आज की डेट में टीकमगढ़ जो है जिला है, और ओरछा एक पर्यटक स्थल है और धार्मिक स्थल है, यहाँ लोग आते हैं राम जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम।